स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के सौजन्य से उन लोगों के लिए एक बहुत ही सैद्धांतिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक बात बताई जाएगी जो लोग आयुर्वेद के क्षेत्र में मौलिक जानकारी चाहते हैं, बुनियादी एक बेसिक नॉलेज। एक बुनियादी जानकारी आपको मिलेगी जो षड ऋतु पर आधारित होगी। षड ऋतु आप लोग जानते होंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका वर्णन चरक संहिता से लिया जा रहा है। आप जानते होंगे कि कितनी ऋतुएं होती हैं, प्रॉपर तरीके से आप नहीं जानते हैं उनकी जानकारी, और उन ऋतुओं को पंच तत्व में कौन कौन से तत्व, जैसे कि पांच तत्व हैं, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, कौन सी ऋतु में कौन सा तत्व प्रधान होता है। जो तत्व प्रधान होता है उस ऋतु में उसी तरह का प्रभाव हम मानव या फिर जो भी शरीरधारी जीव हैं उनकी प्रकृति पे पड़ता है, उनकी बॉडी पे पड़ता है, और उसी तरह के रोग होते हैं। तो ऐसे ऋतुओं में हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि शुरुआत करते हैं हम लोग शिशिर ऋतु से। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये छह ऋतुएं हैं। सामान्यतः लोग गर्मी, सर्दी और वर्षा तीन रूप से जानते हैं। क्योंकि महीने हैं बारह, बारह ही राशियां हैं, तो बारह महीने को दो दो महीनों में डिवाइड किया गया है बारीकी से देखा जाए तो। वर्षा के केवल दो ही महीने लिए हैं, स्पेशली श्रावण और भादो। श्रावण और भादो, इसके पश्चात शरद के क्वार और कार्तिक, हल्की सर्दी शुरू होती है। क्वार और कार्तिक हिंदी के महीने बोल रहे हैं, अंग्रेजी में आप देख लेना। उसके बाद में हेमंत ऋतु आती है, ये भी दो महीने चलती है। इसके पश्चात शिशिर आता है, और शिशिर के बाद में बसंत ऋतु आती है। माह की बसंत पंचमी के आगे का जो समय है, माह फागुन कह सकते हैं, और चैत्र में भी इसका प्रभाव देखा गया है। तो फागुन और चैत्र स्पेशली ये बसंत ऋतु के होते हैं। बैसाख और ज्येष्ठ ये स्पेशली गर्मी ज़्यादा होती है। जेठ के दोपहर में मेरे पाँव चले हैं राजा, पाँव चले हैं, सुना है ना। तो ये जानकारी है षड ऋतुओं की। अब इनको हैंडल कौन कौन से तत्व करते हैं ये भी आपको समझना होगा। शिशिर ऋतु को आकाश और वायु तत्व स्पेशली करते हैं, अर्थात जब शिशिर होती, जब भयंकर जाड़ा होता है तो उस समय वायु का प्रवाह तेज हो जाता है, शीतलहर शुरू हो जाती है और आकाश आच्छादित हो जाता है कोहरा से, सब इन ठंड से। तो ऐसे समय में आपको अपने आप को वायु तत्व से बचाने वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसे ज़्यादा वायु चलने से शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उस समय आकाश तत्व भी उसमें जुड़ा हुआ होता है, आधिक्य होता है। होते तो सभी तत्व हर समय होते हैं, लेकिन अधिकता किसकी है। तो इन शिशिर में वायु प्रधान और आकाश तत्व प्रधान होता है। बसंत ऋतु में
वायु और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है आपकी प्रकृति में, या हमारी जो बाहर का परिवेश है, जलवायु है, पृथ्वी है, उसमें एक शुद्धता विशुद्धता आती है, एक गुरुता बढ़ती है, स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, प्रकृति का भी और आपके शरीर और प्रकृति का भी। इसके बाद में जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो अग्नि और वायु तेज हो जाती है, आग चलने लगती है, लपटें और वो गर्म हवा लू लगने लगती है। तो ऐसे समय में आपको अपने आप को बचाने के लिए ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे अग्नि और वायु तत्व से आपकी प्रकृति कम से कम प्रभावित हो, ये लॉजिक की बात है। वर्षा ऋतु में आपको अग्नि और इसमें वायु का समावेश अधिक होता है, वायु और अग्नि के प्रभाव से, सॉरी वर्षा ऋतु में अग्नि और पृथ्वी के प्रभाव से आपको अपने आप को बचाना है, अग्नि और पृथ्वी के प्रभाव से। ऐसी चीज़ों का खान पान हमें खाना है कि जो हमें अग्नि और पृथ्वी तत्व की अधिकता ना हो शरीर में, जिससे कि एसिडिक प्रॉब्लम हो, इस तरीके की चीज़ें, पित्त प्रकृति हो जाती है, उल्टी, डायरिया, मलेरिया, इस तरह के बीमारियों से अपने आप को बचाना है। शरद ऋतु में जल और अग्नि का अधिकता होता है, अर्थात जो कफ कारक चीज़ें हैं, क्योंकि सर्दी ही से आरंभ होना शुरू आगाज हो जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोल्ड सीजन, तो शरद ऋतु में आपको कफ कारक चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से अपने को बचा के रखना, नहीं तो वो इन्फेक्शन पूरे जाड़े भर चल सकता है। हेमंत ऋतु में पृथ्वी और जल की अधिकता होती है, तो उस समय पर थोड़ा जल का सेवन आप कम करें जिससे कि आपको जलीय रोग ना हो, ठीक है ना। यह कुछ बुनियादी जानकारी है। इसके साथ ही आपको एक बेहतर जानकारी ये मिलेगी कि जो षडरस होते हैं, छह प्रकार के रस बताए गए हैं, उनमें कौन से तत्व होते हैं, माने मीठे में क्या होता है, खट्टे में क्या होता है, चरपरे में क्या, नमकीन में। अभी मैं क्रमशः आपको बता रहा हूँ, नंबर एक तिक्त, नंबर दो कसाय, नंबर तीन कटु, अमल, लवण और मधुर, ये छह रस होते हैं। इनके लिए कौन हैंडल कर रहा है, इनमें कौन से तत्व की अधिकता होती है, क्या खाने से कौन सा तत्व आपका मेंटेन हो सकता है शरीर के अंदर, क्या खाने से, कि छह रसों में कौन सी चीज़ें खाने से आपको कौन शरीर में क्या क्या चीज़ें घट और बढ़ सकती हैं। इसमें तिक्त बोला गया है, तो तिक्त को खाने से, माने जो तीता होता है, मिर्च मसालेदार चीज़ें, इसमें वायु और आकाश तत्व की प्रधानता होती है। जब आपके शरीर में वायु और आकाश तत्व कमज़ोर चल रहा हो, तो इसे खा के आप मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है ना। और अधिक खाने से आपके लिए गैस बनना शुरू हो सकती है, एसिडिक प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर दो पे जैसे कि कषाय बोला गया है, जिसमें औंला है, जो कसैला मुंह हो जाता है, औंला इत्यादि है, बहड़ा है, ये चीज़ें हैं, इसके अंदर जो है वायु और पृथ्वी तत्व प्रधान होता है, वायु और पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। शरीर में यदि कमजोरी, खोखलापन जैसी चीज़ें लग रही हैं, तो आप इस तरह की चीज़ों का सेवन करके अपनी शक्ति को संचित और संरक्षित कर सकते हैं। फिर आता है कटु। कटु चीज़ें में करेला है, नीम है, ये सब चीज़ें हैं, और इसमें वायु और अग्नि तत्व प्रधान होता है, वायु और अग्नि तत्व प्रधान, ये आपके लिए रक्त शोधक में मदद करेगा, रक्त की शुद्धि में, है ना। इसके अधिक सेवन करने से नपुंसकता भी बढ़ सकती है। इसके बाद अमल तत्व है, तो इसमें अग्नि और वायु की प्रधानता रहती है, सॉरी अमल तत्व में अग्नि और पृथ्वी की तत्व की प्रधानता के कारण, जो कि अम्ल माने खट्टी चीज़ें हैं, इमली है, नींबू है, बहुत सारी जो संतरा है, ये सब चीज़ें हैं, तो इससे आपकी जठराग्नि तेज होती है। लेकिन अत्यधिक सेवन करने से आपके अंदर चर्म रोग, एलर्जेटिक प्रॉब्लम या फिर शीघ्र पतन की शिकायत हो सकती है। फिर लवण आता है,
इसमें जल और अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो नमकीन चीज़ें हैं, जिसमें नमक ज़्यादा मिश्रित रहता है, तो नमक के साथ में जल तत्व भी जुड़ा हुआ है, तो अग्नि और जल की वृद्धि से आपकी पित्त प्रकृति हो सकती है ज़्यादा सेवन करने से। अगर आपको भूख प्यास नहीं लग रही है तो आपका अग्नि तत्व मंदा है ना, जल की कमी इसीलिए हो गई और कमजोरी लग रही है। तो आपको ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो नमकीन टाइप की चीज़ें हों, तो आपका जल तत्व और अग्नि तत्व मेंटेन हो जाएगा। मधुर जिसे मीठा कहते हैं, सहस छठा रस जो मीठा है, इसमें जल मधुर में जल तत्व की और पृथ्वी तत्व, ये दोनों ही जुड़े हुए होते हैं, जल और पृथ्वी। तो इसके ज़्यादा सेवन से आपके लिए डायबिटिक प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, मोटापा है, गठिया है, इस तरह की चीज़ें पनपती हैं। लेकिन जो सूखे साके लोग हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, वो इन दो तत्वों को मीठा खा करके बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, इस जानकारी की बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बुनियादी पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी ऋतु के अनुसार खान पान और अपने शरीर के अंदर के तत्वों को संतुलित कर सकें। जानकारी पूर्ण इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सबका भला हो। ओम शांति, ओम क्रांति।